दवाई लेने के लिए चौहाना आ रहे महिला ने नरवाना के युवक पर लगाया दुष्कर्म करने का आरोप। महिला ने उसे व उसकी दो बच्चियों को आरोपी द्वारा एक दुकान में बंधक बनाने का भी लगाया आरोप। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटे पुलिस। जी हां, दवाई लेने के लिए चौहाना आ रहे महिला ने नरवाना के गांव जुलहेड़ा के रहने वाले एक व्यक्ति पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर जबरन दुष्कर्म करने और वह अपनी दुकान में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया है। शहर पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शिकायत में महिला ने बताया कि वो ससुराल से टोहाना में भागो देवी नामक महिला के पास दवाई लेने के लिए अपनी दो बच्चियों के साथ आ रही थी कि देरी से बस मिली, जिसके बाद वो नरवाना लेट पहुंची। उसने जुलहेड़ा निवासी बलजीत को फोन किया, जिस पर बलजीत ने उसे कहा कि वो गाड़ी लेकर आ जाता है, उसे वहां छोड़ देगा। रास्ते में आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर पिला दी, जिससे वो बेहोश हो गई। महिला के अनुसार आरोपी उसे गांव कनहड़ी के पास खेतों में ले गया, जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। महिला ने बताया कि जब उसे होश आया तो उसकी स्थिति बिल्कुल खराब थी। जब उसने विरोध किया तो आरोपी उसे व उसकी दोनों बच्चियों को चंडीगढ़ रोड स्थित उसके ढाबे के पास ले गए। महिला के अनुसार आरोपी ने उसे एक दुकान में बंद करने के बाद बाहर से ताला लगा दिया तथा बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला ने बताया कि जब उसने काफी देर तक शटर का शोर किया तो आरोपी मौके से फरार हो गया तथा उसके ढाबे पर काम करने वाले लोगों ने उसे बचा लिया। उसने शहर थाने में आकर आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 328, 376, 342, 506 IPC के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं इस बारे में थाना शहर प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उक्त महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। एक महिला ने लिखित शिकायत दी है कि वह दिनांक 4/7/2020 को सफीदों से टोहाना के लिए कोई दवाई लेने के लिए चली थी और नरवाना के पास आने के बाद आगे जो है उसको कोई साधन न मिलने की वजह से उसने अपने जानकार बलजीत को, जो कि यहाँ टोहाना में उसका ढाबा है चंडीगढ़ रोड पे, उसको फ़ोन किया तो वो उसको नरवाना से लेके आया है और उनका आरोप है कि नरवाना से लाने के बाद में कनड़ी में खेतों में उसको रखा है वहाँ साथ में और उसके साथ उसकी इच्छा विरुद्ध जो है उसने बलात्कार किया, प्लस उसके साथ दो बच्चे हैं, उन बच्चों को और उनको पूरी रात वहाँ रखा। नेक्स्ट डे 5 तारीख को जो है वो सुबह वो कहती मेरे को नशे के बाद जब मैं होश में आई और मैंने उससे विरोध किया कि जो है आपने मेरे साथ गलत किया है, तो कहते हैं कि मेरी इच्छा के विरुद्ध अगेन मेरे को जो है गाड़ी से अपने ढाबे पर लेके आया, जो चंडीगढ़ रोड पर उनका ढाबा है, और वहाँ एक कमरे में मेरे को और मेरे बच्चों को बंद कर दिया। तो ये कहती कि उसके बाद में मैंने काफ़ी शोर शराबा किया तो उसके नौकर ने उसे दरवाजे खोला और फिर वहाँ से फ्री हुई। तो इस संबंध में धारा 328, 376, 506 और 342 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी जिंदगी। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 हरियाणा।